सबसे पहले किसान भाइयों को एक सवाल पूछना चाहूंगा कि यह जो प्रॉब्लम है यह आपको कौन से महीने में ज्यादा दिखा? चूहों ने ड्रिप कट करने का जो प्रॉब्लम है, यह जो 12 महीने रहते हैं साल के, उसमें से कौन से महीने में आपको ज़्यादा फेस करना पड़ा? थोड़ा सोचिए, थोड़ा पिछला अनुभव सोचिए और उस हिसाब से मुझे जवाब दीजिए। मैं आज आपको एक तरीका बताने वाला हूँ जिसमें आप कोई भी कंपनी का ड्रिप हो, ऐसा नहीं कि हमारे कंपनी का, कोई भी कंपनी का ड्रिप हो, उसको एक छोटे से प्लेट के सहाय से कैसे आप चूहों से बचा सकते हो। आखिरी में मैं आपको बताने वाला हूँ कि 1 रुपये के प्लेट से आप आपकी ड्रिप कैसे बचा सकते हो। अगर आपको कम से कम 80-90% आपका प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। जो चूहे ड्रिप काटते हैं यह प्रॉब्लम आपका पूरा ख़त्म हो जाएगा। नमस्कार, मैं गिरीश आप सभी का स्वागत करता हूँ हीरा एग्रो इंडस्ट्री में। आज के वीडियो का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है और आज के वीडियो में मैं कोई किसान भाई का नाम भी नहीं ले पाऊंगा क्योंकि यह टॉपिक कई सारे किसान भाइयों ने कमेंट स्वरूप में मुझे पूछा था कि ड्रिप इरिगेशन में जो ड्रिप की नलियाँ रहती है इसको चूहे खराब करते हैं, ठीक है, तो इससे कैसे बचा जाए। तो यह वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि चूहे आपके ड्रिप की नली खराब क्यों करते हैं, ठीक है, और उससे बचना कैसे चाहिए। तो आप आखिरी तक यह वीडियो देखें क्योंकि एक रुपया या 2 रुपये में एक प्लेट आती है इस तरीके से, तो यह प्लेट का इस्तेमाल करके आप आपका जो लाखों का ड्रिप है उसका बचाव चूहों से कर पाएंगे। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। एक सवाल वीडियो शुरू करने के पहले किसान भाइयों को और पूछता हूँ मैं कि जो किसान भाइयों ने ड्रिप अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है उनको शायद यह टॉपिक इतना महत्वपूर्ण ना लगे, ठीक है, उनको लगेगा भाई चूहा ड्रिप क्या संबंध। लेकिन जो किसान भाई ने ड्रिप का इस्तेमाल किया है उनको मालूम रहेगा या उनको यह टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण लगेगा क्योंकि आप जो हज़ारों रुपये खर्चा करके ड्रिप लगवाएंगे खेत में और उसको अगर चूहा काट देगा, ठीक है, कट कर देगा, तो आपका पूरा पैसा बर्बाद हो जाएगा। तो वीडियो शुरू करने के पहले मैं सबसे पहले किसान भाइयों को एक सवाल पूछना चाहूँगा कि यह जो प्रॉब्लम है यह आपको कौन से महीने में ज़्यादा दिखा? चूहों ने ड्रिप कट करने का जो प्रॉब्लम है यह जो 12 महीने रहते हैं साल के, उसमें से कौन से महीने में आपको ज़्यादा फेस करना पड़ा? थोड़ा सोचिए, थोड़ा पिछला अनुभव सोचिए और उस हिसाब से मुझे जवाब दीजिए। मैं इसका भी जवाब आपको वीडियो में ही देने वाला हूँ, लेकिन आगे जाने के पहले इसका आप पहले कमेंट कीजिए, पॉज करके वीडियो जवाब दीजिए, फिर आगे की वीडियो देखिए। आगे का जवाब आप पहले मत सुनिए क्योंकि आगे मैं आपको आंसर भी देने वाला हूँ और फिर से एक रिक्वेस्ट करने वाला हूँ। तो मेरा जो अनुभव है, मैं 2011 से यह चीज़ के ऊपर काम कर रहा हूँ, कहीं देश के नामा अच्छे इंस्टीट्यूट है कि उनके साथ मैंने यह प्रोजेक्ट किया। वहाँ पे जो जैसे मैं आप सभी को मालूम है कि मेरा एजुकेशन एमी प्लास्टिक इंजीनियरिंग में है, ठीक है, एक भारत की सबसे जो अच्छी इंस्टीट्यूट मानी जाती है केमिकल के लिए, यूडीसीटी, अभी उसका नाम हो गया ICT, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी माटुंगा मुंबई से, वहाँ से मैंने मेरी मास्टर डिग्री किया हुआ है। तो मुझे मालूम है कि यह जो प्रयोग है यह कितना महत्वपूर्ण है और ऐसे ही अच्छे फेमस कॉलेज के साथ मैं यह प्रयोग करता हूँ। वहाँ पे जो लोग, वहाँ पे जो स्टूडेंट उनकी मास्टर डिग्री या बैचलर डिग्री कर रहे हैं उनको आखिरी साल में जो प्रोजेक्ट रहता है, तो कई कॉलेज को यह एक प्रोजेक्ट मैंने दिया हुआ है कि भाई चूहे और से ड्रिप को कैसे बचाया जाए। तो जो सवाल मैंने पूछा था उसका पहले जवाब देता हूँ कि आप अनुभव कीजिए कि आपकी ड्रिप इरिगेशन की नली चूहों ने ज़्यादा से ज़्यादा जो धूप का समय रहता है कि जहाँ पे गर्मी ज़्यादा रहती है उस समय ख़राब की है। बारिश के दिनों में आपकी ड्रिप चूहों ने बिल्कुल ख़राब नहीं की है, तो ऐसा क्यों ये भी आपको वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि आज मैं बाकी कंपनियों जैसा आपको कुछ भी नहीं बताने वाला हूँ कि अगर चूहे आपकी नली ख़राब कर रहे हैं तो आप वो हमारी अलग से नली ले लीजिए जो थोड़ी महंगी है, उसमें हमने कुछ केमिकल डाला हुआ है,
कि उसके वजह से चूहे आपको खाएंगे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। मैं आज आपको एक तरीका बताने वाला हूँ जिसमें आप कोई भी कंपनी का ड्रिप हो, ऐसा नहीं कि हमारे कंपनी का, कोई भी कंपनी का ड्रिप हो, उसको एक छोटे से प्लेट के सहाय से कैसे आप चूहों से बचा सकते हो। ठीक है, तो मतलब यह प्रोजेक्ट जब हमने किया तब हमने एक केज लिया था, यह शायद 2012 या 13 में मैंने प्रैक्टिकल किया हुआ प्रयोग है। तो एक केज लिया था, वहाँ पे प्रॉपर जो रॉडंट रहते, आगे से रॉडंट यूज करूँगा मैं वर्ड, रॉडंट मतलब क्या, फिर उसमें चूहे आते हैं, खरगोश आते हैं, गिलहरी आती है, स्क्विरर, तो ऐसे कोई मतलब सभी प्रकार के प्राणी कि जो जमीन में छेद करके रहते हैं, इनको रॉडंट बोलते हैं। इनकी नेचुरल एबिलिटी रहती है कुछ भी चीज़ को कतरने की, कट करने की। ठीक है, तो आगे से चूहो रहे या खरगोश रहे, इनको मैं रॉडंट बोलूँगा। ठीक है, तो वहाँ पे हमने चूहे लाके रखे थे, ठीक है, और उसमें नलियाँ डाल के रखी थी, फिर उसमें अलग अलग हमने ट्रायर लिए। तो हमारा निष्कर्ष क्या निकला कि यह जो रॉडंट है, यह जो चूहे है, खरगोश है, इनको जब पीने का पानी नहीं मिलता है तब ये ड्रिप खराब करते हैं। मतलब आपको ऐसा लगा होगा या कोई लोगों ने आपको बोला होगा कि भाई चूहा है, चूहे की तो नेचुरल एबिलिटी है नली खराब करने की या कुछ भी काटने की, ठीक है, इसके वजह से वो ड्रिप काटते हैं। नहीं, गलत है, क्योंकि जब आप खेत में ड्रिप इरिगेशन नहीं लगवा रहे थे तब भी यह चूहे, यह खरगोश आपकी नली खराब कर रहे थे। तो इसका मतलब क्या है कि उनकी अगर नेचुरल एबिलिटी है कोई भी चीज़ को कट करने की, तो उनको तो वैसे भी निसर्ग में, प्रकृति में बहुत सारे आइटम है, फिर वो इसके पीछे क्यों लगते हैं। तो यह चीज़ का मेन कारण है कि जब उनको पीने को पानी नहीं मिलता है, वो प्यासे हो जाते हैं और उनको स्मेल आता है कि अंदर पानी है, तो वो इसको कट करते हैं। ठीक है, और मैं मतलब आप भी यह अनुभव कभी ना कभी लिया होगा। मान लीजिए आप एक स्वच्छ पानी पीते होंगे कि भाई आपके घर में आरओ है, आपके घर में वाटर प्यूरीफायर है, लेकिन कहीं आप बाहर गए और वहाँ पे आपको प्यास लगी है, पानी नहीं मिल रहा है, तो आखिर में आपको जो मिला वो पानी आपने पी लिया। ठीक है, तो वैसे ही यह चूहों का, यह खरगोश का होता है कि जब गर्मी बढ़ती है तब उनको कहीं पे भी पीने का पानी नहीं मिलता है, वो बहुत प्यासे हो जाते हैं। आप सभी को मालूम है कि ऐसे प्रजाति की जो स्मेल लेने की क्षमता रहती है वो कई हज़ार गुना रहती है आदमी से, इंसान से, तो उनको स्मेल आता है कि अंदर पानी है और वह पानी पीने के लिए आपकी नली कट करते हैं। ठीक है, तो अभी मैं सोल्यूशन बताने के पहले थोड़ा घटनाक्रम बता देता हूँ कि जब हमने सोचना चालू किया कि भाई यह मटेरियल को, यह ड्रिप को कैसे बचाया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले सवाल आता है, एक केमिकल आते हैं जिनको एंटी रॉडन मटेरियल बोलते हैं, कि वह केमिकल अगर इसमें डाला तो यह प्लास्टिक को एक ऐसा प्रकार का टेस्ट आ जाएगा कि जो चूहे को पसंद नहीं आएगा और उसके वजह से चूहा इसको ख़राब नहीं करेगा। और यह जो केमिकल है, यह सभी इलेक्ट्रिक वायर में रहता है, जो बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल पैनल रहते हैं वहाँ पे भी वही मटेरियल का इस्तेमाल किया रहता है। यह कारगर है, मतलब यह सक्सेस है, लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत हो रही थी कि वह मटेरियल एक तो इलेक्ट्रिक वायर में यूज़ करना है या कहीं पे यूज़ करना है, तो वहाँ पे ज़्यादा चूहे एक तो नहीं मिलते थे, और मिलते भी थे तो एक कंट्रोल इन्वायरमेंट में, मतलब रूम में या कैबिन में, ठीक है, लेकिन खेत में क्या होता है कि पूरा ओपन रहता है, और वहाँ पे मतलब इलेक्ट्रॉनिक पैनल में या इलेक्ट्रिक केबल में सिर्फ चूहे ही प्रॉब्लम देते थे, लेकिन खेत में खरगोश जैसे बड़े प्राणी भी है कि जो चूहे से बड़े हैं। ठीक है, यह वीडियो बड़ी हो सकती है, लेकिन आप आखिरी तक बने रहिए, क्योंकि वीडियो बनाते समय मैं टाइम का नहीं सोचने वाला हूँ, मुझे जो नॉलेज देना है मैं उसके बारे में सोचने वाला हूँ, तो आप आखिरी तक बने रहिए। आखिरी में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक रुपये के प्लेट से आप आपकी ड्रिप कैसे बचा सकते हो। अगर आपको यह जुगाड़ चाहिए तो आखिरी तक बने रहिए। तो मैं आपको बता रहा था कि इलेक्ट्रॉनिक पैनल में या इलेक्ट्रिक वायर में वो मटेरियल इस्तेमाल करते थे तो वहाँ पे वो सक्सेस था, लेकिन खेत में सक्सेस नहीं था।
क्यों? क्योंकि वहाँ पे कंट्रोल एक इन्वायरमेंट रहता है, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा चूहे ही रहते हैं, इधर बड़े खरगोश जैसे प्राणी हैं या स्क्विरल है, एक यह प्रॉब्लम था। उधर कैसा था कि एक इन्वायरमेंट में जितने चूहे उतने ही आपको दिक्कत देते हैं। यहाँ पे क्या है कि ओपन फील्ड है तो वो प्राणी सजीव है, वो भी इधर से उधर जाता रहता है, तो वो एक दिक्कत थी। और एक महत्वपूर्ण दिक्कत ऐसी थी कि इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल पैनल रहे या इलेक्ट्रिक वायर रहे, वहाँ पे एक इश्यू नहीं था कि उससे अपना खाने का कुछ जुड़ा नहीं था। मतलब वह केमिकल यह नड़ी में डालने के बाद इसमें से जो पानी जा रहा है उसके साथ वह घुल सकने की शक्यता है, और घुलने के बाद वो क्रॉप को जाएगा, फसल को जाएगा, वहाँ से वापिस आपके जो खाने की चीज़ें फसल है उसमें आएगा, और उससे ह्यूमन बॉडी को प्रॉब्लम हो सकता है। तो यह एक प्रॉब्लम था 2012-13-14 में, यहाँ तक हम खेल रहे थे। बाद में क्या हुआ कि एक नया प्रकार का केमिकल हमने वापिस लाया कि जिसमें हमने, मतलब पूरे इंडस्ट्री ने, मैं खुद की बात नहीं कर रहा हूँ, कि जिसमें वो टेस्ट के साथ स्मेल भी था। ऐसा स्मेल था कि जो रोडन को पसंद नहीं है। तो वहाँ पे मतलब सोच क्या थी कि भाई ये स्मेल रोडन आएगा और ये स्मेल उसको पसंद नहीं आएगी, तो भी अगर उसने काटा तो टेस्ट भी पसंद नहीं आएगी, उसकी जो मुंह कड़वा हो जाएगा, ठीक है, और फिर वो चला जाएगा। लेकिन ये भी फेल हो गया। जब आप बहुत प्यासे हो और आपको पानी ही नहीं मिल रहा है, आप प्यासे मर रहे, तब कौन क्या सोचेगा कि भाई वो कड़वा है, वो गंदा है, वो अच्छा है, बस तब तो पानी पीना है। तो यही चीज, मतलब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको बोला केज लिया था, वहाँ पे अलग अलग ट्रायल लिए। जब तक हमने चूहों को पीने का पानी रखा रहता था, तब तक चाहे धूप हो चाहे कुछ भी हो, वो नली को नहीं देखते थे, ठीक है। लेकिन जब हमने पानी निकाल दिया, तीसरे चौथे दिन वो नली को खा जाते थे। तो अभी रह गया सवाल कि भाई ठीक है, आपने तो सब बता दिया, लेकिन बचना कैसे, वो तो मेन चीज़ है। तो वही चीज़ अभी आपको बताता हूँ कि यह सब ट्रायल लेने के बाद एक चीज़ कन्फर्म हो गई कि चूहे या रोडेंट जब उनको पीने का पानी नहीं मिलता है तभी आपकी नली खराब करते, ठीक है। अगर उनको वहाँ पे रेडी पानी मिल जाएगा पीने का, तो वो आपकी नली क्यों खराब करेंगे। कोई भी सजीव आदमी, सजीव प्राणी, फिर वो इंसान है, चूहा है, खरगोश है, कोई भी, जब तक उनको मतलब सब तैयार मिल रहा है तब तक वो मेहनत क्यों करेगा। तो यही सोच लेके हमने एक जुगाड़ किया कि भाई ऐसा प्लेट ले लो, ठीक है, एक साधारण सी प्लेट है, आप प्लास्टिक की ले लो। अगर आपके खेत में चोरी चपाटी होती है तो प्लास्टिक की ले लो, 2 रुपये 1 रुपये में मिल जाएगी। अगर तो भी कोई किसान भाई के समझ में नहीं आ रहा है कि ये प्लेट क्या है, ये प्लास्टिक की प्लेट है, ठीक है, तो मैं आपको बोलता हूँ, जो गोलगप्पे आप खाते हो तो गोलगप्पे वाला आपको प्लेट देता है ना, वो प्लेट है ये, बस बहुत सस्ते में मिल जाएगी। ऐसी प्लेट ले लो और आपके ड्रिप के नीचे, ठीक है, आपका जहाज पे भी ड्रिप है, जहाज से भी आपका बूंद बूंद पानी गिरता है, ठीक है, उसके नीचे रख दो। अभी यही प्लेट क्यों लेने की, क्योंकि अगर आपने कोई ऐसी प्लेट ले ली कि जो ज़्यादा गहरी है, ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा कि जब चूहे आपका पानी पीने को आएंगे तो वो पलटी खा जाती है। तो ये एक प्रॉपर रहता है, थोड़ा सा हाथ से ऐसा ऐसा जमीन निकाल दिया और इसको ज़मीन के समतल रख दिया, इसके ऊपर आपका ड्रिपर लगा दिया, ऐसा रख दिया, तो इसमें से जो बूंद बूंद पानी गिरेगा वो आपके प्लेट में जाएगा। एक बार प्लेट आपकी भर गई तो वो पानी ओवरफ्लो होकर आपको फसल को जाएगा, ठीक है। और आपके यहाँ पे अगर चूहे को, कोई भी प्राणी हो, आप हो मैं हूँ, अगर अपने को रेडी मिल रहा है तो मेहनत क्यों करेंगे। अगर चूहे को, खरगोश को, स्क्विरर को, गिररी को, अगर वहाँ पे रेडीमेड पानी मिल रहा है तो वो आपकी नली ख़राब नहीं करेगी। हाँ, सिर्फ इसमें एक चीज़ है, अभी आपके कुछ सवाल आएंगे कि भाई एकड़ में कितना प्लेट रखना चाहिए, तो देखो जितना ज़्यादा रखेंगे उतना अच्छा है। आप 20 रख दो, 25 रख दो, खर्चा तो है नहीं, 50 रुपये 100 रुपये का खर्चा है। बाकी कंपनियों जैसा तो मैंने कुछ किया नहीं कि भाई मैंने अलग से कुछ केमिकल डाला है, अलग से मटेरियल है, नॉर्मल नली में 5 रुपये मीटर बेचता हूँ तो ये 7 रुपये लीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लेट भी मैं बेच नहीं रहा हूँ, प्लेट भी आपको खरीदना है मार्केट से, ठीक है। तो
बीस पच्चीस पचास प्लेट रख दीजिए एक एकड़ में, ठीक है। और एक ही चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि अगर एक ही किसान भाई ने यह प्रयोग किया तो इसके रिजल्ट मिलने को टाइम लग जाता है। वो जो चूहा है, रोडेंट है, उनको कैसे पता कि यहाँ पे प्लेट रखी हुई है। तो आप आजू बाजू के 10, 15, 20 किसान मिलके ये ट्रायल लीजिए, आपको कम से कम 80 से 90% आपका प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। जो चूहे ड्रिप काटते हैं यह प्रॉब्लम आपका पूरा ख़त्म हो जाएगा। और एक चीज़ बताता हूँ भाई, ना मुझे प्लेट बेचना है ना, ड्रिप तो ऐसे भी आप ले रहे हैं मेरी, और हो सकता है कि आप ये प्रयोग करेंगे आपकी ड्रिप खराब नहीं होंगी तो मेरा घाटा हो जाएगा, ठीक है, तो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो यह वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक पहुँचाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इसी के साथ हर वीडियो की तरह यह वीडियो में भी बताऊंगा कि आप कमेंट में अगर आपका कोई सवाल है तो पूछिए, मैं जवाब देने की अगले कुछ दिनों में उसके ऊपर वीडियो बना के जवाब देने की कोशिश करूंगा। और इस जैसा आज तक आपने प्रेम दिखाया वैसे ही प्रेम अभी आगे भी हमारे ऊपर बनाए रखो। धन्यवाद।